वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज शरण और आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का हिंदी का चैप्टर फर्स्ट नमक अदरोका बाय मुंशी प्रेमचंद। इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं मुंशी वंशीधर एंड पंडित आलोपिनी। मुंशी वंशीधर अपनी पढ़ाई पूरी करके रोजगार ढूंढने के लिए शहर जाते हैं। तब उनके पिता उन्हें यह शिक्षा देते हैं, ऊपरी आय वाली नौकरी ढूंढना, चढ़ावे को इनकार कभी मत करना, वेतन जो होता है ये पूर्णमासी का चांद होता है और ये मनुष्य के द्वारा दिया जाता है। ये एक बार आता है और एक बार में खत्म हो जाता है। जो प्रसाद होता है यानी कि जो ऊपरी कमाई होती है ये ईश्वर के द्वारा दी जाती है और ईश्वर के प्रति प्रसाद को कभी भी इनकार नहीं करना चाहिए। यानी कि वे अपने बेटे को रिश्वत लेने की सलाह देते हैं। उस समय अंग्रेजों ने नमक बनाने पर कर भुगतान का नया कानून लाया था। इसी विभाग में मुंशी वंशीधर की नियुक्ति दरोगा के पद पर हो जाती है। वे बहुत मेहनत, लगन और ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं, जिससे अफसरों में उनकी प्रशंसा काफी होती है और इनकी तरक्की होती है। एक रात जब दरोगा साहब मीठी नींद ले रहे थे और बाकी सारे सिपाही नशे में मस्त थे, तभी कार्यालय से एक मील दूर यमुना नदी पर बने हुए पुल पर गाड़ियों के जाने की गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। दरोगा साहब की नींद खुली, उन्होंने अपनी वर्दी चढ़ाई और दो सिपाहियों को लेकर पुल के निकट जा पहुंचे। वहां पर जाने के बाद उन्होंने गाड़ियां रुकवाई और पहला सवाल पूछा कि ये गाड़ियां किसकी है, तो पूछने पर पता चला वे वहां के जमींदार आलोपिनी की गाड़ियां थी। दूसरा सवाल पूछा उन्होंने कि इन गाड़ियों में क्या है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वहां पर पूरा सन्नाटा छा गया था। खुद से जांचने पर पता चला कि ये नमक की बोरियां थी। पंडित आलोपिनी को बुलावा भेजा गया। पंडित आलोपिनी आए और इन्होंने इनसे आपस में निपटारा करने को कहा। इन्होंने इन्हें रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन दरोगा ने इनकार कर दिया और ये आदेश दिया कि पंडित आलोपिनी को गिरफ्तार कर दिया जाए, क्योंकि पंडित आलोपिनी काफी जाने माने थे। इस कारण से अपनी इज्जत मिट्टी में मिल जाने के डर से वे मूर्छित होकर गिर पड़े। अगले दिन मुंशी वंशीधर और पंडित आलोपिनी के बीच में मुकदमा हुआ। मुंशी वंशीधर के पास सच के अलावा कुछ नहीं था और पंडित आलोपिनी के पास वकीलों की बहुत बड़ी फौज थी और बड़े बड़े अफसरों से इनकी जान पहचान थी। हुआ ये कि पंडित आलोपिनी निर्दोष साबित हुए कि इतनी बड़ी हस्ती एक छोटे नमक के फायदे के लिए नमक का तस्करी नहीं करेगा। ये हुआ है कि सच्चाई की हार और धन की जीत हुई है। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। दरोगा साहब कुछ दिन की छुट्टी लेकर घर गए। घर पर उनकी माँ उनसे गुस्सा थी, पिता की फटकार लगी और पत्नी ने उनसे कई दिनों तक बात नहीं की। दरोगा साहब बहुत उदास थे। बीच में उनका सस्पेंशन लेटर भी आ गया। अब दरोगा साहब पूरी तरह से टूट चुके थे। तभी एक दिन पंडित आलोपिनी की गाड़ी दरोगा साहब के घर के सामने आकर रुकी। दरोगा के पिता ने उनका स्वागत कर और बेटे की गलती की माफी मांगी। पंडित आलोपिनी मुंशी वंशीधर की काफी प्रशंसा कर रहे थे कि वे ईमानदार है, मेहनती और बाकियों की तरह घूसखोर नहीं है। इस कारण से मुंशी वंशीधर के ईमानदारी से प्रसन्न होकर पंडित आलोपिनी ने उन्हें पूरी जायदाद का मैनेजर घोषित किया है। साथ ही साथ उन्होंने इसके अलावा कई भी सुविधाएं दी है। ये खबर उन्होंने मुंशी वंशीधर को बकायदा लिखित दी है। इस प्रकार कहानी का ये निष्कर्ष निकलता है कि हमें ईमानदार होना चाहिए, कभी न कभी हमें ईमानदारी का फल जरूर मिलेगा। तो ये था हमारा आज का चैप्टर नमक का दरोगा, हिंदी का चैप्टर क्लास 11th का। अब मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।